है, ये देखिए ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं तो स्पार्किंग पूरा यह है बॉडी इसकी ले रही है, ठीक है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रिक गीजर, देखिए सभी इलेक्ट्रिक गीजर में क्या होता है वो बता देते हैं आपको। सभी इलेक्ट्रिक गीजर में एक एक एलिमेंट लगा होता है और एक एक थर्मोस्टेट लगा होता है, और इसमें ऐसी कुछ असेंबली लगी होती है जिसमें पानी, इसमें एक में से पानी अंदर जाता है इसके अंदर और दूसरे में से पानी यहाँ बाहर निकलता है। लेकिन अक्सर दोस्तों हमारे गीजर खराब हो जाते हैं, और खराब होने की वजह जो होती है वो हो जाती है क्या कि हमारा जो इसके अंदर पानी गर्म करने के लिए जो इमर्सन लगा होता है, जो एलिमेंट लगा होता है, वो खराब हो जाता है। और उस वजह से क्या होता है, हमारे घर के जितने भी टैब होते हैं, नल होते हैं, उनमें बिजली का करंट दौड़ने लग जाता है। तो दोस्तों ये बहुत खतरनाक एक फॉल्ट होता है, उसको आप तुरंत रिपेयर करवा लीजिए। अगर आपके घर में ऐसा है तो नियरेस्ट जो आपका इलेक्ट्रिशियन है उसको बुलाकर। तो दोस्तों आपको बताते हैं इसको आप चेक कैसे करोगे, जो नए इलेक्ट्रिशियन है जो अभी काम सीख रहे हैं वो इनको कैसे, आप पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे कि आपका ये गीजर के अंदर क्या खराबी है और इस गीजर को आप कैसे रिपेयर करोगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास एक सीरीज बोर्ड है जिसमें हमने वोल्ट और एम्पेयर का मीटर भी लगा रखा है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो रहा है। और अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए एक वायर ले ली हमने जिसका 2 पिन प्लग लगा हुआ है, इसको यहाँ लगा लेते हैं। और लगाने के लिए देखिए, जैसे हम इन दोनों वायर को जैसे ही हम आपस में ऐसे टच करेंगे तो सीरीज के माध्यम से यह बल्ब हमारा ग्लो करेगा। अब चेक करते हैं इस जो गीजर है हमारा, इस गीजर की ये जो दोनों वायर है, यानी कि गीजर में जो पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर एक लीड दी हुई है उसको चेक करते हैं। तो इसमें हम दोनों वायर लगा देते हैं ऐसे, तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, तो यहाँ से ऐसे लग रहा है कि यह गीजर हमारा ठीक है। लेकिन चेक करने के लिए आपको सबसे जो आसान तरीका है वो बता देते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कैमरे को। तो आप क्या करें, जो सीरीज की ये दोनों वायर है उसको, और ये जो दोनों वायर है जो गीजर के साथ अटैच है, उनको आपको ऐसे पहले लगाना है। और जो दो ये वायर है, ये सीरीज वाली, ये देखिए, इसको आपको क्या करना है, एक वायर यहाँ कनेक्ट करनी है और दूसरी इस गीजर की जो असेंबली है इसके साथ कनेक्ट करना है। देखिए अगर ऐसा कर रहे हो तब भी जो हमारा गीजर की जो ये सीरीज का जो बल्ब है, ये देखिए, ये ग्लो करेगा। अगर आपका रोड खराब होगा, ये जो एलिमेंट होता है वो अगर खराब होता है, तो देखिए यहाँ जो असेंबली है जिसके अंदर से पानी जा रहा है उसके हम टच कर रहे हैं, देखो ठीक है, तो स्पार्किंग ले रहा है। ऐसे ही सेम यहाँ पर दूसरी साइड जो पानी गर्म निकालने वाली जो ये पाइप है गीजर की असेंबली की, वहां पर भी अगर हम एक वायर ये वाली टच कर रहे हैं, ये वाली वायर देखिए, तो इसमें भी हमारा जो ये गीजर है ये करंट मार रहा है, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो ऐसे फ्लो होता है देखिए, ठीक है। और हमारा जो सीरीज के माध्यम से हमने इसको चेक कर लिया है। अब दोस्तों प्रॉब्लम आती है कि इसको ठीक कैसे करेंगे, क्या फॉल्ट है ये, तो वो अभी आगे आपको वीडियो में बताएंगे। देखिए तो दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो ऊपर का कवर है, यानी इसको खोल लेना है, और खोलने के बाद आपको एलिमेंट चेक करना है क्या रियल में एलिमेंट जो है वो खराब हो चुका है। तो इसके लिए आप पहले जो ऊपर का कवर है उसको खोल लीजिए, यानी आपको एलिमेंट निकालना है इसका, यानी एलिमेंट को बाहर से भी चेक कर सकते हो। तो इसके जो ऊपर का कवर है वो हम खोल लेते हैं पहले। तो दोस्तों इस गीजर को खोलने के लिए, यानी ऊपर वाले कवर को खोलने के लिए, एंकर कंपनी का ये गीजर है, देखिए इसको खोलने के लिए यहाँ पर 6 स्क्रू दिए होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी साइड में 6 स्क्रू है, तो इनको हम खोल लेते हैं। खोलने के लिए आपको ऐसे मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए आप, तो इसको आसानी से ऐसे खोलेंगे तो यह खुल जाएगा। 6 के 6 स्क्रू आप खोल लीजिए। खोलते हैं इसका कवर, देखिए कवर को खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए ऐसे आसानी से यह बाहर निकल आएगा बिल्कुल, देखिए। और अब जो है वो अब इसकी रिपेयर शुरू करेंगे। ये इसमें एक ऐसी फोम मिलती है जो कि इस टैंक को, जो पानी होता है इसके अंदर, उसको काफी समय तक गर्म रखती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको बता दिया है। अब हम चेक करेंगे इसकी पूरी प्रोसेस, यानी कि रिपेयर करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, देखिए इसके अंदर एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट होता है दोस्तों, ये दो थर्मोस्टेट लगे हुए हैं। और अब इसको चेक करते हैं यहाँ पर कि ये एक्चुअल में खराब है या कोई और बात है। देखिए यहाँ पर हमें जिस तरह लग तो रहा है कि खराबी है, तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं सीरीज बोर्ड के माध्यम से। और ये जो दोनों वायर, इनको आपस में टच करते हैं, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इस पर यहाँ पर लगा देते हैं, और एक लगा देते हैं बॉडी पर। तो दोस्तों ये जो एलिमेंट है ये अर्थ हो चुका है, और अब इसको कैसे ठीक करेंगे वो आपको बताते हैं। देखिए ठीक है, ऐसे हमें ये पूरा का पूरा अर्थ दिख रहा है, ये देखिए ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं तो स्पार्किंग पूरा यह है बॉडी इसकी ले रही है, ठीक है। ये देखिए काफी ज्यादा स्पार्किंग यहाँ पर ले रही है, ठीक है। तो इसको अभी रिपेयर करते हैं।
तो इस गीजर को यानी कि इस गीजर के इस एलिमेंट को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला कवर है, जो इस इलेक्ट्रिक गीजर का ये पीछे वाला जो कवर है, इसको भी साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि जो एलिमेंट है दोस्तों, ये देखिए, एलिमेंट को बदलने के लिए पहले ये जो असेंबली है, असेंबली को भी खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जो टैंक है इसको अलग कर लेते हैं, टैंक में असेंबली है और असेंबली के साथ ही जो एलिमेंट है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसको खोलने के लिए देखिए, यहाँ पर ये देखिए दो स्क्रू दिख रहे हैं, इस बेल्ट से, लोहे की इस पत्ती से इसको जकड़ा हुआ है, यानी कि इससे इसको बांध रखा है। तो इसके लिए हम इसको पहले, ये दो स्क्रू हैं दोनों साइड, देखिए इसको हम खोल लेते हैं। और ये देखिए, ये खोलते ही ये जो पत्ती है ये बाहर निकल आई है, और इस गीजर को यानी इस गीजर की असेंबली को पूरी की पूरी को हम बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, केवल इस टैंक को बाहर निकाल लेना है। देखिए ऐसे ऐसे ये टैंक हमारा बाहर आ जाएगा, और उससे पहले ये पाइप है देखिए, यहाँ पर इस पाइप को भी थोड़ा सा, और थोड़ा सावधानी से करना है दोस्तों, क्योंकि ये लोहे की पत्ती जो है वो भी आपको चोट मार सकती है, थोड़ा सा केयरफुली यह काम करना पड़ेगा। ये देखिए इस पाइप को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये काम करना जरूरी है अगर आप इस 3 लीटर के इलेक्ट्रिक इंस्टेंट गीजर को आप रिपेयर करें। तो ऐसे इसको आप बाहर निकाल लो, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो वायर है ये, इसका भी ये जो स्क्रू है ये हमें खोलना है। इसका भी ये स्क्रू हम खोल लेंगे, ताकि जो वायर है ये यहाँ पर टाइट होने के कारण ये गीजर बाहर नहीं निकल रहा था, ये टैंक इसका बाहर नहीं निकल रहा था। तो इसको भी एक बार हम साइड में कर देते हैं, निकाल लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो टैंक है इसका, ये देखिए ये टैंक पूरा का पूरा यहाँ पर इससे अलग हो जाता है, ये देखो, ठीक है, ऐसे अलग हो गया है। अब इसके कनेक्शन हटा लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए ये जो थर्मोस्टेट है ये निकाल लेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से निकाल लो भैया। और इसके बाद में ये जो नट है देखिए, ये हमने यहाँ पर पूरे के पूरे खोल लिए, देखिए। और इसके बाद क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है ये हमने आपको दिखाया था, जो शॉर्ट था, इस एलिमेंट को बदलेंगे, और बदलने के लिए ये सारे के सारे जो स्क्रू है ये हमें खोल लेने हैं यहाँ से, जैसे हमने खोल लिए। अब इस ऊपर वाले कवर को भी हम अलग कर लेंगे, और ये जो नया एलिमेंट है देखिए, नया एलिमेंट हम बदलेंगे, जो कि 3000 वाट का है। ये सोचने वाली बात है, इतने छोटे से गीजर में और 3000 वाट की रोड लगेगी, एलिमेंट लगेगा। तो चलिए इसको अभी हम खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन ये खुल जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर यह एकदम फिक्स किया होता है। देखिए बीच में एक रबर लगाया हुआ है, जिससे कि पानी की लीकेज ना हो। तो अभी हम इसको खोलेंगे, खोलने की प्रोसेस जारी है, आप देखते रहें और सीखते रहें। तो दोस्तों अभी देखिए, इसमें खोलने के लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्रू ड्राइवर लगा लीजिए, तो यह शायद आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी आपको। और उसके बाद यह दोनों साइड अगर आप लगाते हो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर, तो यह खुल सकता है, क्योंकि ये जो रबर है ये थोड़ा सा दिक्कत करता है हमें। देखिए ऐसे है, बाहर निकल आएगा, खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं कि जो एलिमेंट है उसकी कंडीशन क्या है, और एलिमेंट फिर हम बदलेंगे दोबारा से, हम इसको वो करेंगे रिपेयर। देखिए एलिमेंट, देखिए दोस्तों यहाँ से एलिमेंट फट चुका है, इसीलिए जो गीजर है ये करंट मार रहा था, और इसके अंदर टैंक की हालत आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। चलिए अब एलिमेंट बदल देते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों, जो एलिमेंट खराब था उसको खोलने के लिए, बदलने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर एक नट दिया होता है, उस नट को जैसे ही आप खोलोगे तो जो एलिमेंट है ये बाहर निकल आएगा। देखिए ऐसे, ये ऊपर का जो नट है ये बाहर निकाल लो, खोल लो इसको, और ऊपर एक ऐसा वार्सल होता है लोहे का, और उसके बाद ये जो एलिमेंट है ये ऐसे बाहर निकल आएगा, और कैसे निकल आएगा, ऐसे निकल आएगा, ठीक है। ये देखिए एलिमेंट ऐसा होता है अंदर से, तो अभी ये ख़राब हो चुका है, जगह जगह से ये फट चुका है, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए। तो जो डस्ट है, जो कचरा है, वो भी थोड़ा सा आप साफ़ कर लें प्लीज़। और उसके बाद देखिए, ये आपको दिखा दे रहे हैं, जो एलिमेंट है ये ऐसे ख़राब हो जाता है, फट जाता है, और इसके फटने की वजह होती है दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है, पानी कम होता है उस वजह से हो जाता है, वैसे नॉर्मली भी यह है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी फट जाता है, थर्मोस्टेट अगर काम नहीं करता तब भी यह फट जाता है, और अगर स्विच ऑन रख देते हैं तब भी यह फट जाता है, ठीक है। तो ऐसे फटता है, अब इसको बदलते हैं, बदलने की प्रोसेस आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं।
तो देखिए दोस्तों, अब हम एलिमेंट ले आए, सेम टू सेम ऐसे ले आए, 3000 वाट का पहले हमने आपको बताया था। अब इसको बदलेंगे, बदलेंगे कैसे वो आपको बताते हैं। देखिए फटाफट इसका जो ऊपर का कवर है प्लास्टिक कवर, इसको हटा लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना, ठीक है। देखिए ये ऐसा एलिमेंट होता है, बड़ा ही सुंदर एलिमेंट है दिखने में, और सेम टू सेम आपको लाना है तभी यह चेंज होगा। आपको पुराना और नया दोनों दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा है दिखने में, और सेम टू सेम है तभी यह फिटिंग इसमें आने वाला है। अब लगाओगे कैसे उसके लिए आपको बता देते हैं। आप क्या करें, ऊपर वाला नट पहले खोल लें, और ऊपर जो इसके ये देखिए ऊपर का जो प्लेट है इसको आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि यह लगेगा नहीं, क्योंकि यह दूसरे गीजर में लगता है, इस गीजर में यह लगेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम ऐसे ही है, ये ऊपर का जो रबर था वैसे ही सेम इस रबर को रखना है हमें, और रबर को लगा रखने के बाद ये जो दोनों पॉइंट है जहाँ पर न्यूट्रल फेस हम देंगे उसको यहाँ से यानी कि गीजर के इस असेंबली के अंदर से हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद देखिए आगे की तरफ ये आ जाएगा। आने के बाद देखिए आप क्या करें, बिल्कुल अच्छे से इसको टाइट करना, ये बात आप सुनिश्चित कर लें, और एक नट लगाना है केवल आपको, लेकिन नट सीधा होना चाहिए, किसी भी प्रकार से टेढ़ा होना नहीं चाहिए। टेढ़ा अगर होता है तो क्या होगा, दिक्कत होगी। ये दोस्तों जो एलिमेंट है इसको हमने प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर लिया है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, और अच्छे तरीके से यहाँ पे लीकेज की भी संभावना हमें नहीं लग रही है। तो ऐसे क्या करें आप, इसकी जो एलिमेंट है वो फिट कर लें। उसके बाद की प्रोसेस क्या है, इसके अंदर रख के देखिए, आपको एक बात और ध्यान देनी है, आपको जब भी आप ये एलिमेंट निकालें या फिर इस गीजर को रिपेयर करें तो आप निशान लगा दें, क्योंकि अक्सर क्या होता है निशान आउट हो जाते हैं, तो उसी वजह से जो गीजर की जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं आती है। देखिए हमने ऐसे मार्कर से निशान लगा दिया था पहले, जो आधा हमने धो दिया है लेकिन हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप करें तो ठीक ठाक फिट हो जाएगा, और ये वाली रोड हम कबाड़ में बेच देंगे। इसके बाद जो असेंबली के नट बोल्ट हैं उसको आप अच्छे से टाइट कर लें, और जैसे कि हमने नट बोल्ट है वो अच्छे से टाइट कर लिए, देखिए बिल्कुल अच्छे से, कहीं भी कोई नट बोल्ट लूज नहीं है। उसके बाद आप क्या करें, ये जो सेफ्टी पत्ती दी हुई है इसको भी आप इसमें टाइट कर लें, और उसके बाद जो इंडिकेटर का एक बॉक्स है यानी इंडिकेटर को भी आपको कनेक्ट कर लेना है, और थर्मोस्टेट को भी आपको अच्छे से लगा लेना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह प्रॉपर फिटिंग हमने कर दिया है। प्रॉपर फिटिंग करने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में इसकी जो अर्थिंग है वो चेक करनी है, और अर्थिंग कैसे चेक करोगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही आपको चेक करना है। आप सीरीज़ वाला बोर्ड ले लीजिए और उसमें आप अर्थिंग ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए एक वायर को, सीरीज़ के दो वायर में से एक वायर को आप इसकी वायर के लगा दीजिए और इसकी बॉडी के टच कीजिए, यानी कि जो असेंबली है उसको टच करेंगे, तो अगर आपका बल्ब ग्लो करेगा तो यह अर्थिंग वो नहीं कर रहा है, तो यह बिल्कुल सही है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।